हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम कर रहे हैं आईआर का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फाइव फंडामेंटल वाइब्रेशंस। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एब्जॉर्प्शंस करवानी है हमें आईआर रेडिएशन की। कहता है आईआर रेडिएशन की एब्जॉर्प्शंस कितनी होगी, वो उतनी अमाउंट के अंदर होगी जितना हमारा किन्हीं भी दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, और उसकी वजह से कहता क्या हो जाएगा, दो एनर्जी लेवल के बीच में जितना डिफरेंस होगा उसकी वजह से हमारे पास वाइब्रेशन की ट्रांजिशन हो जाएगी। क्यों, हमें पता है जैसे हमारे पास किसी भी चीज़ का एक ग्राउंड स्टेट है और दूसरा हमारा मान लो एक एक्साइटेड स्टेट है। जब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि इसने यहीं पर बोला, कहता वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल। इन दोनों के तो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो कहाँ जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एक्साइटेड स्टेट में। कहता जब ऐसा होगा तब हमारे पास क्या है, एक इंटेंस बैंड प्रोड्यूस होता है, जिस बैंड को हम बोलते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। ये जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, कहता है ये एग्जिबिट होता है एक मोलिक्यूल से, मोलिक्यूल से उसका क्या होगा, टू फंडामेंटल वे ऑफ द वाइब्रेशनल मोड अवेलेबल टू मोलिक्यूल। यानी कि सिंपल भाषा में ये है कि जितने हमारे पास फंडामेंटल बैंड होंगे उतने ही हमारे पास फंडामेंटल के वाइब्रेशंस के मोड्स होंगे। यानी कि फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड इज इक्वल टू किसके रहेगा, फंडामेंटल वाइब्रेशंस मोड के। अब लाइक कंसिडर करते हैं, हमें हमारे पास कोई एक डाईएटॉमिक मोलिक्यूल है, वो डाई एटोमिक मोलिक्यूल्स के अंदर क्या, कोई दो एटम है और वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। लाइक वन फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड दैट इज स्ट्रेचिंग हो सकती है या वाइब्रेशन। तो कहता है ये डाई एटोमिक मोलिक्यूल हमें क्या देगा, एक फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड देगा। ठीक है, अब डाई एटोमिक से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। लाइक हमारे पास कोई पोली एटोमिक मोलिक्यूल है, पोली एटोमिक मोलिक्यूल के अंदर अब ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या था, एक फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मोर देन वन फंडामेंटल वाइब्रेशन बैंड, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मोर देन वन फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। यानी कि सिंपल सी भाषा है, जितने हमारे पास मोलिक्यूल बढ़ रहे हैं उतने ही हमारे पास क्या हो रहा है, फंडामेंटल वाइब्रेशन के मोड बढ़ रहे हैं, और उतने ही हमारे पास फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन के बैंड बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर पोली एटोमिक अगर मॉलिक्यूल है आपके पास, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 3n-6। हमारे पास यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वाटर का एग्जांपल लिया है, वाटर इज इक्वल टू H2O। यानी कि n का नंबर हमारे पास कितना हो गया, 1, 2, 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ जाएगी, इस n की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, 3 × 3-6। तो 3 × 3 = 9 − 6 = 3। यानी कि हम बोल सकते हैं वाटर मोलिक्यूल के अंदर, जो कि एक नॉन लीनियर पोलीएटॉमिक मोलिक्यूल है, उसके अंदर हमारे पास 3 क्या आएंगे, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। अब अगर हम क्या करते हैं, कोई लीनियर पोलीएटॉमिक मोलिक्यूल लेते हैं, ये नॉन लीनियर था, अब हम लीनियर की बात करेंगे, लीनियर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज 3n-5। तो ये इसके एग्जांपल लेते हैं हम CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, कई बार पूछ भी लेते हैं, तो इसके फॉर्मूले के अंदर अब n की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी, हमारे पास 5 हो जाएगी, तो 3 × 3 n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो 3 × 3-5 कितना, 3 × 3 − 9 − 5 = 4। तो कहता CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास क्या होगा, 4 वाइब्रेशंस मोड आएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास, चलो हमने लीनियर की बात कर ली, नॉन लीनियर की, अब अगर कोई लार्जर मोलिक्यूल आ जाता है हमारे पास, कहता लार्जर मोलिक्यूल आने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कहता इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे एन का हमारे पास नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन ये कहता है कि समटाइम ऐसा नहीं होता कि जितनी वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंटल होती है उतनी वैल्यू थ्योरेटिकल नहीं होती, और वो किस रीज़न से नहीं होती, उसके कुछ रीजंस दिए हैं इसने। सबसे पहला है, कहता जो कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं वो वीक होते हैं, और वो इतने वीक होते हैं कि वो आईआर के रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रा है उसके अंदर वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते। दूसरा रीजन इसने दिया, कहता जो कुछ बैंड्स होते हैं या जो कुछ वाइब्रेशंस होती है वो इतनी ज़्यादा क्लोज होती है, उस क्लोजिंग की वजह से क्या होगा, उन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी और हमारे पास जो बैंड है वो नहीं दिखेगा। या फिर समटाइम क्या होता है, एनर्जी के अंदर भी चेंजेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाए, एनर्जी चेंज होने की वजह से आईआर का जो स्पेक्ट्रा है 2.5 से लेकर 15 तक, तो वो इस स्पेक्ट्रा को क्रॉस कर जाता है, यानी कि वो आउटसाइड रहता है, जिसकी वजह से वो उस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या नहीं हो पाता, रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती।
इसके बाद आता है हमारे पास सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, आपको एक चीज़ समझनी है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, डाइपोल मोमेंट। और वो डाइपोल मोमेंट किस चीज़ की वजह से होती है, अगर हमारा जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर की वजह से। अब अगर हम क्या करें, जो पोलर बॉन्ड था उसके अंदर क्या होगी, मान लो हमने स्ट्रेचिंग करवा दी या वाइब्रेशन, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग रहेगी, उसकी इंटरमोलिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग। कहता उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर उसके अंदर स्ट्रेचिंग या वाइब्रेशन करवा देते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है उसके अंदर चेंजेज आ जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज आएगा, तो जो उस मॉलिक्यूल की या उस बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या फिर हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि जो वाइब्रेशंस होती है या जो स्ट्रेचिंग होती है, उनकी वजह से कहता क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएटिंग आ जाती है, यानी कि वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। अब ये बोलता है कि अगर हम क्या करें, इंट्रैक्शन करवाएं किस किस की, जो हमारी फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मोमेंट है या जो ऑस्किलेटिंग डाइपोल मोमेंट है, और जो हमारी आईआर रेडिएशन है, कहता इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली सी बात है, कहाँ से होगी, रेडिएशन से। सो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, क्योंकि इन दोनों की वजह से उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया आईआर रेडिएशन की। अब ये जो इंट्रैक्शन हुई है ऑस्किलेटिंग डाइपोल मोमेंट की और आईआर रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब करी है, कहता है ये सिर्फ कब होगी, ये सिर्फ तब होगी जब हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है एक एक्सट्रीम की वैल्यू दूसरे वाले एक्सट्रीम से क्या रहे, अलग अलग, यानी कि एक ही बॉन्ड के अंदर जो हमारे डाइपोल मोमेंट के पोलर होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंजेज आए थे ऑस्किलेटिंग डाइपोल मोमेंट में, तो कहता वो क्या होने चाहिए, वो दोनों जगह अलग अलग होने चाहिए, तभी हमारे पास इनकी अट्रैक्शन होगी और तभी हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर आईआर की जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके अंदर आता है हमारे पास बॉन्ड वेरिएशन। बॉन्ड वेरिएशन का मतलब क्या है, यही चीज़ है कि एब्जॉर्प्शन कर देना किसकी, आईआर रेडिएशन की, ओनली कब, जब हमारे पास डाइपोल मोमेंट के अंदर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। सिलेक्शन रूल को आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो कि वेदर ऑफ वाइब्रेशंस वुड बी इफेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम और नॉट, क्योंकि हमें मेनली तो यही देखना होता है कि जो हमने ये सारे चेंजेज किए, इन चेंजेज की वजह से कि वो इफेक्टिव भी बना है हमारे स्पेक्ट्रम के लिए या नहीं बना। लाइक अब हम आईआर स्पेक्ट्रा का देखते हैं केस, ओनली दोज वाइब्रेशन इफेक्टिव विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक। इसने बोल दिया कि सिर्फ वही वाइब्रेशन क्या रहेगी हमारे लिए, इफेक्टिव रहेगी जो सेंट्रोसिमेट्रिक होगी। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है सिमेट्री स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशन ऑफ CO2 आर सेंट्रोसिमेट्रिक एंड नॉट इफेक्टिव इन आईआर, यानी कि ये कैसी है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करती है CO2 जो है, और जिसकी वजह से ये आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हमने अभी बोला था हमें कौन से चाहिए, जो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक हो, ठीक है, जिनके अंदर सेंट्रोसिमेट्रिक ना हो। इसने अब नॉन भी बोल सकते हैं या फिर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, वो कैसे होंगे, क्योंकि वो होती है नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक, और उनकी वजह से क्या हो जाता है, आईआर रीजन के अंदर हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब कुछ ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स हम लोग लेते हैं, लाइक सी डबल बॉन्ड, OH या NH, ये इनके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशंस होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल किस चीज़ के हैं, ऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल्स है, एंड नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक एंड दे गिव राइज रिस्पॉन्ड टू द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक के केमिकल्स के मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं ये कैसे होते हैं, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक, हो जिनकी वजह से आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर ये रिस्पॉन्स करते रहते हैं और एब्जॉर्प्शन शो करते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है पोजिशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ बैंड। अब हमें ये बताना है कि हमारे स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे जो बैंड है उनकी पोजीशन क्या है और उनकी एब्जॉर्प्शन क्या है। देखिए कहता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल वेरियस वेवलेंथ आर फाउंड टू बी एब्जॉर्ब इन द आईआर गिव राइज टू द एब्जॉर्प्शन बैंड। ये सिंपल सी बात हमें पता है कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बैंड आते हैं। या फिर हम सिंपल ये बोल लें कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो डिपेंड अपॉन करता है किस चीज़ के ऊपर, कि नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है या वहाँ पर ग्रुप कैसा लगा हुआ है। जो एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, कहता किस चीज़ के इंडिकेट करते हैं वो, कि प्रेजेंस ऑफ दैट बॉन्ड और द ग्रुप। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे क्लियर होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो क्या करेगा एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा हमें, कब, जब उसकी 3 3 3 3 4 × 3 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू हो जाएगी। ये जो एक्चुअल एब्जॉर्प्शन पैटर्न है बैंड का या फिर ग्रुप का, स्लाइटली फ्रॉम द टाइप ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अनदर, यानी कि ये क्या करता रहता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे के अंदर जो स्पेक्ट्रा है वो चेंज हो जाएगा इस वैल्यू की वजह से, क्योंकि हर एक बॉन्ड की अलग अलग वैल्यू होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर।
और ऐसा क्यों होता है देखिए, इसने बोला है कि जो पोजीशंस होती है एब्जॉर्प्शन बैंड की, वो एक्चुअली डिटरमाइन कर सकते हैं हम स्मॉल एक्टिंग किसके द्वारा, जो रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। हमने कल भी बोला था कि एग्जांपल लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा हो तो सी ओ एच का एग्जाम्पल था, उसके अंदर हमने बोला था कि ओ और एच की वैल्यू अलग थी, सी और ओ की थी, और इधर हमने लिखा था रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ भी। अब जो आयर स्पेक्ट्रम है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है उसके इंटरप्रिटेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है 2.5 से लेके 8 तक, यानी कि 4000 से लेकर 1250 सेंटीमीटर इनवर्स तक। इस वैल्यू के अंदर जितने भी हमारे पास जो मोस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो इस वैल्यू के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। और इसके अंदर हमारे पास क्या एसोसिएटेड होता है, चेंज इन वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ वेरियस बॉन्ड, यानी कि बहुत सारे बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल स्टेट है वो इनके अंदर चेंजेज लाएगी। दूसरा रीजन आता है हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास अब देखिए 4000 से 1250 तक की वैल्यू यहाँ पे आ गई, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब वैल्यू कौन सी बच गई, 1250 से नीचे की, यानी कि 1250 से नीचे का जो रीजन होगा उसे हम बोल देंगे फिंगरप्रिंट रीजन। और इसका नाम फिंगरप्रिंट रीजन क्यों है, क्योंकि फिंगरप्रिंट यानी कि हर बंदे का फिंगर भी फिंगरप्रिंट है जो क्या है, अलग अलग है। तो इसकी 1250 से नीचे के जो सारे ग्रुप्स होंगे या जो कोई भी इसके अंदर आइडेंटिकल ग्रुप होगा या कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, बिल्कुल उसकी एक अलग वैल्यू रहेगी। लेकिन फिर ये बोल रहा है, कहता अगर कोई मान लेते हैं हमको बहुत सारी एब्जॉर्प्शन हुई है हमारे पास, लेकिन कहता है नो टू कंपाउंड हैव आइडेंटिकल IR स्पेक्ट्रा, कि किन्हीं भी दो कंपाउंड का जो IR स्पेक्ट्रा है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर कभी मान लो ऐसा हो गया, बट इफ द टू सैंपल हैव द सेम IR स्पेक्ट्रम, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वहां पे हमारे पास कॉन्क्लूसिव प्रूफ आ गया है आइडेंटिटी ऑफ टू सैंपल्स का, कि वो दोनों कैसे है सेम। लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ 99% केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, सारे कंपाउंड्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग ही रहती है। उसके बाद है, ये तो थी पोजीशंस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इनकी इंटेंसिटी के बारे में, कि इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एब्जॉर्प्शंस बैंड की। डिफरेंट जो बैंड होंगे उनकी डिफरेंट ही इंटेंसिटी होगी, और जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा डिपेंड अपॉन करती है मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड किस चीज़ का, कि डाइपोल मोमेंट के अंदर हमारे पास कितना चेंज आया है। और अभी हमने बताया था कि डाइपोल मोमेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही थी, कि बॉन्ड हमारा कितना पोलर है, यानी कि बॉन्ड जितना पोलर होगा उसकी जो डाइपोल मोमेंट है उतनी ज़्यादा चेंज होगी, और जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ही उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक कार्बोनियल का, कार्बोनियल है हमारे पास जिसके पास क्या है, हाई डाइपोल मूवमेंट है देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। ऐसा क्यों, देयर फॉर स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ द हाइयर इंटेंसिटी द सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन बैंड इंटेंसिटी इंक्रीज। अब देखिए इन लाइनों का मतलब यहाँ पे कि जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, कैसे, इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल इन सैंपल, यानी कि सैंपल ये बोल सकते हैं कि सैंपल के अंदर अगर कंसंट्रेशन मोलिक्यूल्स की ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग ग्रुप इन मोलिक्यूल्स। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है, कहता प्रोबेबल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड बाय हुक्स लॉ। हमने पहले ही पढ़ा था आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारी प्रोबेबल वैल्यू होती है। दूसरा ये बोलता है जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या फिर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कहता वो नॉटिकल। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल नहीं रहती, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंसेज होता ही है। तीसरा ये बोलता है, कहता इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। लास्ट लेक्चर में बताया था और अभी बता रहे थे कि कभी भी सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम पूरी वैल्यू नहीं बता सकते, रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल का हमें पता होना चाहिए तभी हम बता पाते हैं। अब जो मेन फैक्टर होते हैं वो सबसे पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, नाम से ही कन्फर्म हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे होगा केस। देखिए ये क्या बोल रहा है, कहता अगर कोई सब्स्टिट्यूट है नेबरहुड के अंदर लगा हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से, अगर हम उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट को चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो उसकी चेंज है इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी के अंदर वो आ जाएगा। और ये चेंज क्यों आएगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि क्या पता पहले कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है बाद में कोई ऐसा ग्रुप लग जाए, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का तो चेंजेज आएगा ना, उस चेंजेज आने की वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, और
दूसरा हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, इन दोनों को हम कंसिडर करके लेते हैं और उसकी वजह से हमारी जो फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने बोला कि चेंज हो जाती है, उसके चेंज होने से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम नॉर्मल टू डिफरेंट, यानी कि जो उसकी वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए थी उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे होगी। सबसे पहला केस देखते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का। आप लोगों को पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक वो पावर है जो दूसरे किसी एटम से क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है या खुद के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती है। ये दो टाइप का होता है, माइनस आई और प्लस आई। माइनस आई वो होते हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, प्लस आई वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को देते हैं। चार कार्बन तक ही ये इफेक्ट करता है, उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। आइए अब यहाँ पे, तो अब ये बोल रहा है कि तो अगर प्रेजेंस है हमारे पास एल्काइल ग्रुप की, दैट इज CH3 इन द विकिनिटी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप कोज प्लस आई इफेक्ट। ये बोल रहा है अगर हमारे पास CH3 ग्रुप है तो वो क्या करेगा, कहता है प्लस आई इफेक्ट को यहाँ पे रिजल्ट देगा। कैसे देगा, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, जिसकी वैल्यू दी है इसने 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम एक एच को रिमूव करके यहाँ पे लगा देते हैं CH3 और वैल्यू के अंदर माइनस हो गया 5। अब दूसरे भी एच को रिप्लेस कर देते हैं CH3 से। अब इसके पास दो CH3 हो गए, इसके पास एक और इसके पास एक भी नहीं, और वैल्यू देखिए 1750, 1745 और 1715। यानी कि जैसे जैसे CH3 ग्रुप हम यहाँ पे लगा रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि वो सिंपल सा मतलब क्या कहना चाहता है कि जो प्लस आई होता है वो डिक्रीज कर देता है वेव नंबर के अंदर या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि कहता बॉन्ड लेंथ है जो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इनके लगाने की वजह से। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो जो फोर्स कॉन्स्टेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है या जो वेव नंबर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ये था प्लस आई का केस। अब अगर इसी केस के अंदर मान लो माइनस आई को कंसिडर करते हैं, माइनस आई का केस लेते हैं तो क्या होगा इससे। सबसे पहले हम लेते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड और CH3। अब एक CH3 का एच रिप्लेस करके हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे Cl। अब इसका भी नीचे वाले का भी एक एच रिप्लेस करके यहाँ पे लगा देते हैं Cl। अब देखिए इसके पास दो Cl है, इसके पास एक Cl और इसके पास एक भी नहीं है। और अब इनकी वैल्यू को देखिए 1715, 1725 और 1740। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो Cl है वो कैसा इफेक्ट है, माइनस आई शो करते, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एरो को देख सकते हो आप लोग, इसमें एरो को देखिए ऊपर की तरफ गए हुए, इसमें एरो Cl की तरफ आए हुए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इससे अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, बीच का जो चार्ज है वो कम होता रहेगा और इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। इसके पास और है तो 1725, इसके पास एक भी नहीं है तो 1715। यानी कि सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि जो माइनस आई है वो इंक्रीज कर देता है वैल्यू को। ऐसा क्यों, क्योंकि इंक्रीज वैल्यू ऑफ द फोर्स कॉन्स्टेंट, और अगर फोर्स कॉन्स्टेंट बढ़ता है तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो भी हमेशा हायर वेव नंबर की तरफ प्रोसीड होता है। दूसरा इफेक्ट हमारे पास आता है रेजोनेंस इफेक्ट। आप लोगों को रेजोनेंस का पता होना चाहिए क्या होती है रेजोनेंस की। जब हमारे पास किसी एक स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हमें उसके लिए दो तीन स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक देखिए इसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है, पता ही आप लोगों को, कहता है जो कॉन्जुगेशन होती है वो लोअर कर देती है एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को या फिर वेव नंबर को। यानी कि कॉन्जुगेशन जहाँ पे है तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्वियसली सी बात लो डाउन होगी। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन के होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर किसी चीज़ की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो उसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो नहीं रहेगी, यानी कि वो कम हो गई। और अगर स्ट्रेंथ घट गई तो उसका जो फोर्स कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और उसके कम होने की वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, कम। आप लोग भी इसको इसी तरह से याद रखिए कि कॉन्जुगेशन बढ़ी, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, फोर्स कॉन्स्टेंट कम और लोअर फ्रिक्वेंसी। एग्जाम्पल देखते हैं एसीटोन CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1715। अब हम एक CH3 का जो H दो H को रिप्लेस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2 ऐड कर देते हैं। अब इसका नाम बन जाता है मिथाइल विनाइल कीटोन और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1690। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तीसरा लेते हैं दैट इज एसीटोफिनोन, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1693। देखिए हम इन दोनों केसेस की बात कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 1693 और इसकी जो वैल्यू है 1690।
ये बोल रहा है कहता इस ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास जो रेजोनेंस भी है और जिसके अंदर हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने ऊपर देखा था वो भी है, यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर हमारे पास दोनों क्या है इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे, अभी हमने देखा था कि कॉन्जुगेशन की वजह से वैल्यू डाउन चली जाती है और माइनस आई की वजह से वैल्यू हाई चली जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कॉन्जुगेशन, ये जो बॉन्ड है ये एरो हमने इधर शो किया कि ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, ये जो बॉन्ड है ओ के ऊपर ट्रांसफर होगा, ये तो हमारी होगी कॉन्जुगेशन यानी कि हमारी होगी रेजोनेंस। और दूसरा केस हम देखते हैं इसी के अंदर आई एक आई का यानी कि माइनस आई, जो ये ग्रुप है हमारे पास दैट इज सी सिक्स एच फाइव, ये माइनस आई की तरह एक्ट करता है। अब एक ही के अंदर हमारे पास दोनों हो गए माइनस आई भी और रेजोनेंस भी। आगे ये बोलता है कहता है समटाइम्स क्या होता है जो रेजोनेंस होती है वो डोमिनेट कर जाती है किसके ऊपर, माइनस आई के ऊपर, या कहता कई बार माइनस आई भी डोमिनेट कर सकता है रेजोनेंस के ऊपर। ये दोनों ही बातें सच है यहाँ पे, लेकिन हम इस केस की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास इसने लिखा भी स्पेशली कि जो एसिटोफिनोन है कॉन्जुगेशन टेंड टू लोअर, ये जो कॉन्जुगेशन हुई है सीओ की स्ट्रेचिंग, इसकी वजह से तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी लो होगी, लेकिन जो माइनस आई है इसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। लेकिन बट जब हम ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल वो बोल रहा है कहता हमारे पास जो रेजोनेंस का इफेक्ट है कहता वो डोमिनेट कर जाता है माइनस आई के ऊपर, और जिसकी वजह से जो इसकी ओवरऑल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी थोड़ी सी कम, मतलब इनके कंपैरिजन में नहीं, इसकी जो और ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में, इनमें तो इसकी ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर हमारे पास जो है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को पता है किस किस के बीच में होती है, फोन के बीच में, फोन का मतलब एफ ओ एन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन, साथ में कौन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन। ये कुछ कंपाउंड्स दे रहा है हमें ऑर्गेनिक के, लाइक अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, कहते ये जो कंपाउंड है ये क्या कर रही है, एग्जिबिट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो इन्फ्लुएंस कैसे होगी, एच बॉन्ड होगा तभी हमारे पास हो पाएगी। देखिए कैसे, कहते जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा जो बॉन्ड है वो वीक रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। और अगर बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, कम है या वो डिक्रीज है। और अगर ये डिक्रीज है तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर इसके अंदर आता है, कहता अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही डाउनवर्ड हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो नीचे की तरफ रहेगी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो हमारे पास हमेशा ब्रॉड बैंड आता है, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तब हमारे पास शार्प बॉन्ड आता है, या फिर हम कह सकते हैं शार्प बैंड या फिर वेल डिफाइंड बैंड भी बोलते हैं इसको। आगे बोलता है कहता जो इंटेंसिटी होती है बैंड की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, यानी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड अपॉन कर रही है कंसंट्रेशन के ऊपर, लेकिन इंट्रामोलिकुलर के अंदर कंसंट्रेशन कभी भी इफेक्ट नहीं करती। एक केस लेते हैं अल्कोहल और फिनोल का, दोनों के अंदर ही हमारे पास क्या है OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बोल रहा है कि बोथ द केस अल्कोहल एंड द फिनोल जिनके पास क्या है फ्री OH ग्रुप है, और ये जो फ्री OH ग्रुप है ये गिव राइज क्या कर रहा है हमें स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड, किस रीजन के अंदर 3650 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, ये था फ्री तो इसने इतनी वैल्यू के ऊपर बैंड दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले OH ग्रुप की, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है ब्रॉड एडजॉर्प्शन देता है इन द रीजन ऑफ 3600 से 3200 के बीच, यानी कि देखिए वैल्यू पहले सी 3650, अब वैल्यू कहाँ पे आ गई 3400, ऑलमोस्ट 200 से 250 हमारी घट चुकी है, और वो किसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि अभी बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देता है बॉन्ड को वीक, और उसकी वजह से फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू कम और एब्जॉर्प्शन नीचे की तरफ। अब हमारे पास केस आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करें दो मॉलिक्यूल्स हो, देखिए इस केस के अंदर हमारे पास क्या है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने क्या लिख लिया डाइमर, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो दो मॉलिक्यूल्स है वो एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में, और इनके अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ओ और एच की और इधर ओ और एच की। अब ये बोल रहा है क्या था अगर लार्ज स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की उसकी वजह से क्या हो जाएगा लार्ज डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ सी ओ और
ओ एच सी और ओ की, ओ और एच की, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कहता है एग्जिबिट करता है ब्रॉडबैंड, ये हमें कैसा देता है ब्रॉडबैंड, किसकी वजह से, ड्यू टू ओ और एच की वजह से। ओ और एच की वजह से हमें कैसा मिलेगा ब्रॉडबैंड मिलेगा, जिसका रीजन रहेगा 3000 से लेके 2500 तक का, एज कंपेयर टू 3600 फॉर फ्री ओ एच ग्रुप। अब देखिए इसने पहले बताया था कि जो फ्री ओ एच ग्रुप है वो ऑलमोस्ट 3600 के आसपास हमें बैंड दे देता है, इस केस के अंदर जो फ्री ओ एच है वो 3650 या 3600 के आसपास बैंड देता है। बट अगर यही ओ एच ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है दूसरे मोलिक्यूल के साथ, तो ये ब्रॉड बैंड देता है और वो भी इस रीजन के अंदर। सिमिलरली कहता है डाउनवर्ड शिफ्ट फॉर सी डबल बॉन्ड ओ के केस में इन एसिड फ्रॉम 1750 से 1700, ये जो 1700 वैल्यू है ये डाइमर के लिए है और ये जो 1750 वैल्यू है ये फ्री स्टेट के लिए है, ठीक है। अब तीसरा केस आता है हमारे पास अमीन का। अमीन क्या कहता है, कहता है वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमीन्स के अंदर भी, कहता डाउनवर्ड हो जाता है शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन और एच इज ओनली फ्रॉम 3500, ये किसके लिए है फ्री फॉर्म के लिए, और 3300 किसके लिए है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस के लिए। सिंपल आपको ये समझना, आप लोगों को ना हमेशा कंपेयर करना है, एक वैल्यू आपको लोगों को रखनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली और दूसरी वैल्यू आप लोगों को रखनी है फ्री स्टेट वाली, और हमेशा देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जो वैल्यू है वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू फ्री स्टेट से। अब यहाँ पे भी इसने ऐसे ही लिया है, एक इसने फ्री फॉर्म लिए है 3500 की और दूसरी इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली अमीन का केस लिया है जो कि 3300 पे है। मच लेसर इन द केस ऑफ ओ एच इन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कहता है ये बहुत कम है किससे, ओ एच जो एल्कोहल और फिनॉल के अंदर थे उनसे, और ऐसा क्यों होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को पता है। आज का लेक्चर यहीं पे, और नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ लेक्चर जो होगा उसमें हम करेंगे वाइब्रेशनल कपलिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और कुछ स्पेक्ट्रल फीचर्स ऑफ कंपाउंड। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।